हेलो एवरीवन, दूर से देखने पर ये आपको एक स्पेसशिप जैसा नज़र आ रहा होगा, यूएफओ जैसा नज़र आ रहा होगा, मगर ये बिल्कुल भी यूएफओ नहीं है, स्पेसशिप नहीं है। ये एक मिलिट्री बेस है और इसके ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है। एक मिलिट्री बेस है और इसके ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है। ये फ्लैग किस कंट्री का है? ये रशिया का फ्लैग है और ये मिलिट्री बेस बनाया गया है आर्टिक वाले रीजन में, नॉर्थ पोल आर्टिक वाले रीजन में ये मिलिट्री बेस बनाया गया है। ऐसा क्या है इस बर्फ़ के नीचे छुपा हुआ जिसमें इतने सारे देश दिलचस्पी ले रहे हों? जो देश दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना, वो तीनों देश इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इवन रशिया ने तो पूरा का पूरा मिलिट्री बेस बना दिया है। यहाँ पर एक ऐसा पाथ बनाया गया जिस पर किसी भी प्रकार का जहाज वो लैंड करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। अमेरिका भी पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है और रशिया भी पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वैज्ञानिकों ने देखिए चेतावनी दी है इस क्षेत्र में, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 50 साल में जो आर्टिक की बर्फ़ है वो लगभग 50% तक मेल्ट हो जाएगी। और बर्फ़ के नीचे ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसको उजागर करने के लिए या जिसकी खोज में ये अभी से वहाँ पर युद्ध की तैयारी में लग गए हैं, मतलब इतनी भारी मात्रा में सेना को उतारा जा रहा है, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये तीनों देश। आगे जाकर क्या होने वाला है वो तो कोई नहीं जानता, मगर हाँ, ये जो बर्फ है, इस बर्फ के नीचे लगभग $35 ट्रिलियन की संपत्ति छुपी हुई है। और वो संपत्ति छुपी हुई है मिनरल्स के माध्यम से, वो संपत्ति छुपी हुई है मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स के रूप में, गोल्ड के रूप में, डायमंड के रूप में, और इसके अलावा जिसकी पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमेशा रहती है, पेट्रोल और गैस, मतलब फ्यूल और गैस का भी भंडार छुपा हुआ है इस रीजन में, ऐसा बोला जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब जिसमें हम अपना नुकसान देख रहे हैं उसमें ये कंट्रीज़ अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि और कौन कौन सा देश यहाँ पर अपनी सेना उतारने की तैयारी करेगा। उम्मीद करूँगा न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है चेतन और इसी के साथ आप सभी से अलविदा लूँगा।